हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एट योर फिंगर टिप्स। दिस इज के पवन, योर फ्रेंड, योर टीचर कम मेंटर। मैं हमेशा आपसे कहता रहा हूँ, बायोलॉजी रटने वाला विषय नहीं है, तो क्यों करेंगे रटना शुरू जब आपके साथ है ये बायोलॉजी ग्रुप। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इन प्रीवियस क्लास we have already discussed about the embryonic development in dicot. Today I will discuss the embryonic development in monocot. It is very important topic for you because there are so many questions arises from this section. So concentrate yourself on this topic. Don't waste your time, be calm on the topic. Topic is embryonic development in monocot. तो मैं आपको कह रहा था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपको अपने आप को कंसेंट्रेट करना है, क्योंकि पिछले क्लास में भी कहा है कि ये सेक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। यदि आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे या कोई भी किताब पढ़ेंगे तो कम इस टॉपिक को, चाहे वो एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट इन डाइकॉट है या एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट इन मोनोकॉट है, इस टॉपिक को थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया। मैं आपको काफी इजी वे में, लूसी वे में बताऊंगा, आप बस कंसेंट्रेट करना है। और एक बताओ, ये क्लास तो तभी समझ में आएगा जब पीछे वाला क्लास यदि आपको समझ में आया होगा तो ये क्लास 100% समझ में आएगा। यदि पीछे वाला समझ में नहीं आएगा, एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट डाइकॉट समझ में नहीं आया होगा, तो ये वाला भी नहीं समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। तो क्योंकि बहुत सारे टर्म्स है जो ज्यों का त्यों यहां है, एकदम सेम है। मैंने कहा था कि एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट इन डाइकॉट और मोनोकॉट बहुत सारी सिमिलरिटीज है, माइन्यूट अंतर है, और उसी माइन्यूट अंतर को हमें समझना है, माइन्यूट डिफरेंसेस को समझना है। तो हम लोग देखते हैं, देखिए ये जायगोट है जिसका निर्माण आफ्टर फर्टिलाइजेशन हुआ है। ये जायगोट यहां से शुरुआत करें, याद करें तो डाइकॉट एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट में मैंने बताया था ये जो जायगोट है इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। यहां भी देखिए ट्रांसवर्स डिवीजन। अब यहां देखिए अंतर क्या, वहां भी ट्रांसवर्स डिवीजन, यहां भी ट्रांसवर्स। तो यहां जब ट्रांस वहां जब ट्रांसवर्स डिवीजन होता है तो दो सेल का निर्माण, एक को कहते थे टर्मिनल सेल और दूसरे को कहते थे बेसिक सेल। टर्मिनल सेल और बेसिक सेल्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने आपको याद हो तो कहा था कि इसको ये याद रखना है कि ये ऊपर वाला सिरा है वो क्लाजाइन है या सेलेजाइन है, और ये जो नीचे वाला सिरा है इसको हम माइक्रोपाइलेटिन या माइक्रोपाइलेटिन कहते हैं। ठीक है, तो जो सेल ज्यादा इरिक्योर्ड होता है उसे हम टर्मिनल सेल कहते थे, माइक्रोपाइल की ओर होता था उसे हम बेसल सेल कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी ट्रांसवर्स डिवीजन होता है और वहां जहां दो सेल का निर्माण होता था, यहां अंतर यह है कि यहां पर थ्री सेल का निर्माण होता है। थ्री सेल मेरे कहने का मतलब है कि आफ्टर द ट्रांसवर्स डिवीजन इन जायगोट थ्री सेल्स आर फॉर्मड। वहां कितना था, टू सेल्स। आपको याद हो तो जो क्लाजाइन की ओर सेल था वहां भी उसको हम कहते थे टर्मिनल सेल, और यहां भी कहते हैं टर्मिनल्स। और जो माइक्रोपाइलर इंड की ओर था वहां भी कहते थे बेसल सेल, और यहां भी कहते हैं बेसल सेल। ठीक है, तो वो कोशिका जो टर्मिनल एंड की ओर चला जाए एंड की ओर हो उसे हम टर्मिनल से, जो माइक्रोपाइलर एंड की ओर हो उसे हम बेसल से, और ये जो बीच में है
बीच में जो सेल है इसको इसे हम मिडिल सेल क्या कहते हैं, मिडिल सेल। अब आपसे कहेगा कोई कि ये तीन सेल का निर्माण कैसे, तो देखिए ये बाय द वे ये जायगोट है, तो जायगोट में एक बार ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ तो दो का निर्माण होगा। फिर अगली बार इसमें दोनों में डिवीजन नहीं होगा बल्कि एक सेल फिर से डिवाइड करेगा और ये तीन सेल का निर्माण। तो मेरे कहने का मतलब है इन केस ऑफ मोनोकॉट जायगोट डिवाइड्स ट्रांसवर्सली एंड फॉर्म थ्री सेल्ड स्ट्रक्चर, द सेल सिचुएटेड टुवर्ड्स द टर्मिनल एंड्स इज कॉल्ड टर्मिनल सेल, द सेल विच आर सिचुएटेड टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलरी इज कॉल्ड बेसल सेल, और मिडिल में जो रहता है उसे हम मिडिल सेल कहते हैं। ठीक है, वहां पर हम तो फिर से मैं देखिए कंपेरेटिव स्टडी कर रहा हूं कि जिससे कि आपको वो याद हो, ये बेसल सेल जो था याद करें तो बेसल सेल वहां काफी इंपॉर्टेंट काम कर रहा था, और बेसल सेल्स में कई बार डिवीजन होता है और ये कई बार डिवाइड करके सस्पेंसर सेल का निर्माण करता है, जबकि यहां पर बेसल सेल्स का कोई विशिष्ट फंक्शन नहीं है। यहां पे बेसल सेल से सस्पेंसर का निर्माण नहीं होता, यहां पर जो ये बेसल सेल्स है ये सिर्फ न्यूट्रिशन प्राप्त करने का कार्य करता है। यहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल है जिसको हम मिडिल सेल कहते हैं, और इसी मिडिल सेल से में बार बार डिवीजन होता है, और ये डिवीजन सब प्लेन में होता है, ऑल प्लेन में होता है, और मास ऑफ सेल का निर्माण होता है, और पूरा का पूरा ये मिडिल सेल ये बना, मिडिल सेल में ही लगातार विभाजन होता है और उसी से प्रिमिल का भी निर्माण होता है, एपिकोटाइल का भी निर्माण होता है, रेडिकल का भी निर्माण होता है, हाइपोकोटाइल का भी निर्माण होता है, यहां तक कि सस्पेंसर का भी निर्माण होता है। तो याद रखना है ये मिडिल सेल मेन फंक्शनल सेल है और ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो का निर्माण करता है, और ये टर्मिनल सेल में डिवीजन होता है, ये कॉटिलीडन का निर्माण करता है। ठीक है, तो मैं इसे अलग अलग के लिए अलग अलग कलर से इसको कर दे रहा हूं ताकि आपको बाय द वे ये मान लीजिए ये हरा ये ग्रीन कलर का मैं यूज कर रहा हूं, ये बेसल सेल, ये मिडिल सेल ब्लैक कलर, ये ऊपर टर्मिनल सेल रेड। अभी मैंने कहा कि यही मिडिल सेल है जो इम्ब्रियो का निर्माण करता है, पूरा का पूरा इम्ब्रियो, और ये टर्मिनल सेल है जो कॉटिलीडन का निर्माण करेगा। तो आप याद रखना यहां मोनोकॉटिलीडन्स है तो एक ही कॉटिलीडन्स का निर्माण हो रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप है कि देखिए बेसल सेल्स में कोई खास डिवीजन नहीं होता, ये सिर्फ फूल करके स्वेलिंग हो जाता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये हरे कलर से ग्रीन कलर से ये बेसल सेल, इसमें ज्यादा डिवीजन नहीं होता, डिवीजन मेन का होता है तो मेन डिवीजन होता है ये मिडिल सेल, और इसमें ये लगातार डिवीजन, और डिवीजन सभी डायरेक्शन में होता है याद रखना है, सब डायरेक्शन में होता है, और जिसके कारण ये मास ऑफ सेल सेल का एक मास हो जाता है। ठीक है, तो ये हुआ बेसल सेल, ये क्या है बेसल सेल, ये क्या है मिडिल सेल, और इसी मिडिल सेल से अभी मैंने कहा कि डिवाइड्स टू फॉर, याद रखना है यहीं से क्वेश्चन आएगा किसका निर्माण कर रहा था, तो प्लीम्यूल का निर्माण करता है, एपिकोटाइल का निर्माण करता है, रेडिकल का निर्माण करता है, हाइपोकोटाइल का निर्माण करता है, यहां तक कि सस्पेंसर का निर्माण भी इसी से होता है, जबकि आप याद रखिएगा वहां पर बेसल सेल से सस्पेंसर का निर्माण हो रहा था, या जो कहें तो मिडिल सेल से पूरा का पूरा एम्ब्रियो का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट टर्मिनल्स, तो ये जो टर्मिनल सेल है यहां भी विभाजन होता है, और यहां क्या काम है, यहां सिर्फ कॉटिलीडन, एक कॉटिलीडन का आप जानते हैं कि ओनली वन कॉटिलीडन इज प्रेजेंट इन
मोनोकॉट, तो यहां पे ये है टर्मिनल, निर्माण क्या करेगा कॉटिलीडंस। देखिए यहां सिर्फ क्वेश्चन और क्वेश्चन ही है, तो आप जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे या कोई भी बुक पढ़ के एक बार देखिएगा मेरे वीडियो देखने के बाद, वहां पर इतना ना कॉम्प्लेक्स कर दिया है कि स्टूडेंट को समझ में नहीं आता। मैं आपको काफी लूसी वे में, सिंपल वे में बता रहा हूं, तो आप इसको कंसंट्रेट कीजिए ध्यान से, सब टर्म आपको याद रहेगा, आपका क्वेश्चन भी एकदम हूबहू बनेगा। नहीं यहां से पढ़ना, वहां पर ये इतना ना ज्यादा कॉम्प्लेक्स किया हुआ कि आपको समझने में काफी परेशानी होगी, इसलिए थोड़ा ध्यान देना है, फिर देखिए क्या होता है। मैं फिर से एक बार यहाँ जायगोट में ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, थ्री सेल्ड स्टेज मतलब थ्री सेल्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, थ्री साइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ऊपर वाला जो सराजा इंक्यूल होता है टर्मिनल से कहते हैं, किसका निर्माण करता है कॉटिलीडंस का, बेसल सेल्स में कोई ज्यादा डिवीजन नहीं होता, ये बेसल सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ये मिडिल से ही मेन फंक्शनल होता है, यही पूरा एम्ब्रियो का निर्माण करता है। और ये देखिए डिवीजन हुआ तो ये बेसल सेल हो गया, इसी मिडिल सेल से न्यूक्लियस का, एपिकोटाइल का, रेडिकल का, हाइपोकोटाइल का और सस्पेंसर से, और उस टर्मिनल सेल से कॉटिलीडंस। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, जब डिवीजन होते जाता है तो भ्रूण लगभग ऐसा बन जाता है, देखिए ये भ्रूण होता है वो इस स्टाइल का बनता है, यहां जब डिवीजन होगा तो भ्रूण ऐसा है, एम्ब्रियो ऐसा है, इस टाइप का भ्रूण। ये जो भ्रूण होता है इसका जो अपर एंड होता है जो देखिए पॉइंटेड होता है, इसी को हम प्लीम्यूल कहते हैं, और ये आवरण से ढका रहता है, एक आवरण से ढका रहता है जिसको हम लोग कोलियोपटाइल कहते हैं, स्पेशल है ये, बहुत बार पूछा है, इंपॉर्टेंट है, कोलियोपटाइल। और किसको ढके कवर किया हो रहता है तो प्लीम्यूल को कवर किया हो रहा है। और इसी तरीके से जो रेडिकल होता है भाई, यहां रेडिकल आप जानते हैं कि पिछले क्लास में मैंने बताया है कि प्लीम्यूल से सूट सिस्टम का निर्माण होगा और रेडिकल से रूट सिस्टम का निर्माण होगा, और इसका रेडिकल भी एक आवरण से ढका रहता है, एक आवरण से ढका रहता है। इस आवरण को क्या कहते हैं, इस कवर को क्या कहते हैं, कोलियोलाइजर, इसको हम लोग कहते हैं कोलियोलाइजर, ठीक है। फिर जो ये देखिए तो ये किससे, ये भ्रूण का निर्माण हुआ इस मिडिल सेल्स, ये बेसल सेल्स, बेसल सेल्स में यहां बना दिया, बेसल सेल्स का उतना ज्यादा डेवलप नहीं होता, यहां पर देखिए ये बेसल सेल्स है, ये है बेसल सेल्स, ठीक है। अब ये जो भ्रूण का निर्माण होता है तो इसी भ्रूण से, अभी मैंने कहा था कि मिडिल सेल से ही मोनोकॉट के केस में सस्पेंसर का निर्माण होता है, किसका निर्माण होगा, सस्पेंसर का। तो यहां पर मान लीजिए यहां पर एक छोटा सा इसे बना दो, इसको सस्पेंसर सेल कहते हैं, क्या कहते हैं, सस्पेंसर का। तो आपको याद रखना है सस्पेंसर का निर्माण मिडिल सेल से हो रहा है, पूरे भ्रूण का ही निर्माण मिडिल सेल से। अब देखिए ये टर्मिनल सेल, तो देखिए इस टाइप से ये जो टर्मिनल सेल है एक पतला स्ट्रक्चर, एकदम थीन स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम कॉटिलीडन कहते हैं, क्या नाम है, कॉटिलीडन। और आपको याद रखना है मोनोकॉट के केस में ये जो थीन पेपरी स्ट्रक्चर है जिसको आप कॉटिलीडन कर रहे हैं, इसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज किया जाता है, इसको कहते हैं पासकू टेलम, ठीक है। तो मोनोकॉट के केस में कॉटिलीडन को स्कूटेलम भी कहा जाता है, ठीक है। अब आपको पिछला क्लास आपको याद हो तो बताया था कि ये जो कॉटिलीडन होता है भ्रूण से जहां जुटा हुआ रहता है, जहां ये लगा हुआ रहता है, उसे हम लोग कहते हैं कॉटिलीडनरी नोड, क्या नाम था, कॉटिलीडनरी। और ये देखिए इम्ब्रॉयनल एक्सिस है,
और आपको याद हो तो मैंने ईपी कोटाइल और हापु कोटाइल पिछले वाले क्लास में बताया था कि इम्ब्रॉन जहां कॉटिलेडनरी नोड रहता है तो इम्ब्रॉनल एक्सिस और ये प्लीम्यूल के बीच में जो ये पाया जा रहा है इसको हम कहेंगे ईपी कोटाइल। याद रख पीछे वाला क्लास आप देख लीजिएगा, मैंने आपको ईपी कोटाइल समझाया है और इस कॉटिलेडनरी नोड और रेडिकल के बीच में जो ये संरचना है इसको हम लोग कह रहे हैं हाइपो। तो पूरा का पूरा ये याद रखना कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप जब और वास्तव में जब नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं तो ये जो बेसल सेल और सस्पेंशन सेल गायब हो जाता है, धीरे धीरे डीजनरेट होता है, ये नष्ट हो जाता है। बेसल सेल भी नष्ट हो गया और सस्पेंशन सेल, जब बेसल सेल और सस्पेंशन सेल नष्ट हो जाएगा तब भ्रूण लगभग ऐसा ठीक है, ये भ्रूण ऐसा दिखेगा। ये ऊपर वाले को अभी मैंने बताया है, इसको कहते हैं पोलियो पटाइल, नीचे वाले को पोलियो राइजा। ठीक है, पोलियो राइजा। और ये जो ऊपर में कॉटिलेडन है या अस्पुटेलम है इस ढंग से, तो भ्रूण जब मैच्योर होता है तो मैच्योर भ्रूण ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा ऐसा। ये क्या है तो इसी को हम लोग अस्पुटेलम कह लीजिए या कॉटिलेडन। ठीक है, तो मैच्योर भ्रूण मोनोकॉट के केस में ऐसा दिखेगा। और मेन याद रखना है यहां कि कोलियोपटाइल प्लीम्यूल का को ढकने वाला एक आवरण है, कवर है जो प्लीम्यूल को ढका हुआ रहता है, और पोलियोराइजा रेडिकल को ढकने वाला आवरण है, कवर करने वाला आवरण है। नेक्स्ट स्टेप ये तो मैच्योर भ्रूण हो गया, भ्रूण ऐसा दिखता है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि ये मैच्योर भ्रूण का सीड में क्या पोजीशन होता है। तो मोनोकॉट का, मोनोकॉटिलेडनस प्लांट का सबसे अच्छा उदाहरण है मेज। इसका मेज, अगर हम मेज देखिए, हम एक फिगर बना रहे हैं, मान लीजिए ये मेज सीड है, क्या है मेज का सीड। जो मेज सीड है ध्यान से आप देखेंगे तो मेज सीड पे बीच में एपिथेलियम का लेयर रहता है, एक एपिथेलियम का लेयर होता है जो इसको दो चैंबर में बांट देता है, एक चैंबर बड़ा होता है और एक चैंबर छोटा। ठीक है, तो इसको हम एपिथेलियम का एक लेयर जो इसे दो चैंबर में बांट देता है। ये एंडोस्पर्म इसमें रहता है और इस एंडोस्पर्म में बाहर में एक प्रोटीनस एंडोस्पर्म रहता है। इस लेयर को हम लोग बोलते हैं, जैसे ये इंडोस्पर्म वास्तव में ये प्रोटीन रिच होता है, इस लेयर को हम लोग एलिरॉन लेयर बोलते हैं। क्या नाम है? एलिरॉन लेयर। इसमें 3N मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम 3N रहेगा, तीन सेट में रहेगा, और ये बीच में जो रहता है वो स्टार्ची इंडोस्पर्म। ठीक है, ये बीच में स्टार्च इंडोस्पर्म होता है, यहाँ पे प्रोटीन रिच इंडोस्पर्म होता है और ये एपिथेलियम लेयर होता है। अब देखिए इस सीड में भ्रूण का, इम्ब्रियो का क्या पोजीशन होता है, तो इम्ब्रियो यहाँ होता है। इम्ब्रियो यहाँ होता है, ये पोलियोराइजा, ये पोलियो पटाइल हो गया, ये राइजा हो गया। ठीक है, तो पोजीशन ये होता है और ये अभी मैं आपको बार बार बता रहा हूं, इसका कॉटिलेडन्स पेपरी होता है, बहुत पतला होता है और इसके मोनोकॉट के कॉटिलेडन्स में या अस्कुटेलम में फूड स्टोरेज नहीं होता, जबकि डाइकॉट के कॉटिलेडन्स में फूड का स्टोरेज होता है, तो ये पेपरी होता है। तो जब कोई आपसे पूछ सकता है कि जब इसमें फूड स्टोरेज होता ही नहीं है तो ये भ्रूण के साथ इसका क्या काम है,
क्यों ये लगा हुआ रहता है, इसका तो कोई इसकी कोई आवश्यकता नहीं, देयर इज नो नीड ऑफ अस टू टेल इन केस ऑफ मोनोकॉक, कोई आपसे कह सकता है तो नहीं, इसकी आवश्यकता क्यों है? जो देखिए वास्तव में जो ये स्टार्च होता है या एंडोस्पर्म होता है, जब इसका डाइजेशन होता है हार्मोन के द्वारा, फेरोमोन के द्वारा या एंजाइम के द्वारा, तो ये जो डाइजेस्टिंग मटेरियल है वो डाइजेस्टेड मटेरियल भ्रूण तक इसी स्पुटेलम के द्वारा जाता है। यदि ये स्पुटेलम नहीं होगा तो ये डाइजेस्टिव मटेरियल भ्रूण तक नहीं पहुंचेगा। तो एक तरीके से डाइकोटमिक कोटिलिडन भी भोजन प्रोवाइड माने फूड प्रोवाइड करने का, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कर रहा था, और मोनोकॉट के केस में भी यद्यपि ये थीन होता है, पीपरी होता है, लेकिन फिर भी ये मिडिल माइंड का काम करता है और यहां से डाइजेस्टेड फूड को भ्रूण तक पहुंचाने का कार्य। ठीक है, तो ओवरऑल ये हुआ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन मोनोकॉट। मैं फिर से एक सरसरी नजर में उदाहरण बताऊंगा। देखिए हम लोग मोनोकॉट में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो ये जायगोट है, जायगोट में ट्रांसवर्स डिविजन होता है जिससे जिसके कारण डाइकॉट की अपेक्षा वहां दो कोशिका का निर्माण होता था, यहाँ तीन कोशिका का, तीन थ्री सेल स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, जो चलाजा इन की ओर होता है, कलाजा इन की ओर होता है, उसे हम टर्मिनल सेल कहते हैं, जो बीच में इसको मिडिल सेल, और जो माइक्रोपाइलर इन की ओर होता है उसको बेसिक सेल। बेसल सेल्स का यहाँ कोई विशेष फंक्शन नहीं है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का कार्य करता है, यहाँ पर कोई ज्यादा डिवीजन नहीं होता, यहाँ पे डिवीजन नहीं होता, लेकिन ये मिडिल सेल है जो मेन फंक्शनल सेल है, और यहाँ पे काफी कई बार डिवीजन होता है, और ये डिवीजन सब प्लेन में होता है, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन, मतलब सब प्लेन में होता है, और ये मिडिल सेल की वास्तव में पूरा का पूरा एम्ब्रियो बनाता है। देखिए इस फिगर में मैंने लिखा है कि मिडिल सेल डिवाइड्स टू फॉर्म न्यूरॉन, कोटाइल, रेडिकल, हाइपोकोटाइल, यहां तक कि सस्पेंसर का निर्माण भी मिडिल सेल से ही होता है, जबकि हम लोग डाइकॉट में देखे थे कि सस्पेंसर का निर्माण बेसल सेल से। देखिए ये टर्मिनल सेल है, ये भी डिवाइड करके कॉटिलीडन का निर्माण करता है। वास्तव में जो मोनोकॉट में जो कॉटिलीडन होता है बहुत थिन होता है, पेपरी होता है, उस कॉटिलीडन को हम लोग स्पुटेलम कहते हैं। जब इससे आगे वाला स्टेप देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर लगभग ऐसा चेंज कर जाता है, ये जो नुकीला हेड अपर इंड में होता है ये इसको प्रिम्यूल है, प्रिम्यूल एक कवर से ढका होता है जिसको हम पोलियोकोटाइल कहते हैं, और उसी तरीके से रेडिकल भी एक कवर से ढका रहता है जिसको हम पोलियोराइजर कहते हैं। ये बेसल सेल्स है, और देखिए ये मिडिल सेल से ही यहाँ सस्पेंसर सेल का निर्माण हुआ है, और ये कॉटिलीडन्स है, कहा यहाँ पर एक स्पेशल टर्म है जिसको हम स्पुटेलम। ठीक है, स्पुटेलम या कॉटिलीडन भ्रूण से जहां जुड़ा रहता है उसको हम उस नोड को कॉटिलेंडरी नोड्स कहते हैं, पिछले क्लास में मैंने बताया है, और इस कॉटिलेंडरी नोड से ये प्लीम्यूल के बीच के जो स्पेस होता है उसको हम एपिकोटाइल कहते हैं, और इसके से रेडिकल के बीच जो स्पेस होता है उसको हम हाइपोकोटाइल। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि बेसल से और सस्पेंशन से डीजेनरेट कर जाता है और मैच्योर एम्ब्रियो कुछ इस ढंग से होता है। यह है मैच्योर एम्ब्रियो, कैसा है मैच्योर एम्ब्रियो। यह मैच्योर एम्ब्रियो का हम पोजीशन देखना चाहे तो मोनोकॉट सीड है, ये जो हम मेज सीड बनाए हैं यहाँ पर बीच में एपिथेलियम का एक लेयर होता है जो इसको दो डिसिमिलर चैम्बर में बांट देता है, एक बड़ा चैम्बर होता है एक छोटा चैम्बर, जो छोटा चैम्बर होता है उधर ही हमारा ये भ्रूण रहता है, मैच्योर भ्रूण है। यहाँ पर देखिए ये भ्रूण है, ये पोलियोकोटाइल है, पोलियोराइजा है, ये इसी प्लेम्यूल से, आपको पिछले क्लास में बता रहा हूँ कि प्लेम्यूल से पूरे सूट सिस्टम का और रेडिकल से रूट सिस्टम का निर्माण होता है। तो यही देखिए यहाँ ये प्लेम्यूल है और इधर इसी से पूरे सिस्टम का विकास हुआ। मैंने कहा कि ये पेपरी होता है, विशेषकर यहाँ पर फूड स्टोरेज स्पुटेलम में या कॉटिलीडन में नहीं होता, तो आपसे कोई सवाल कर सकता है कि ये इसका काम क्या है। तो याद रखना है कि यहाँ जो एंडोस्पर्म मौजूद होता है स्टार्च के रूप में या प्रोटीन के रूप में, ये जो एंडोस्पर्म होता है इसका जब डाइजेशन होता है हार्मोन से, फेरोमोन से, एंजाइम से, तो ये डाइजेस्टिव मटेरियल इसी स्पुटेलम के सहारे एम्ब्रियो तक पहुंचता है, तो ये मिडिल मैन का काम करता है, यानी एक तरीके से इनडायरेक्टली ये भोजन इसको प्रोवाइड करता है, और ये जो बाहर वाला लेयर है जिसको हम इल्यूरल लेयर कहते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मोनोकॉट के एम्ब्रियो डेवलपमेंट से संबंधित बात थी।
आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीड फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर ऑफ सीड देखेंगे। थैंक यू। देखिए, हम मोनोकॉट सीड में एम्ब्रियो के पोजीशन को इस फिगर से भी समझ सकते हैं। इस फिगर में एम्ब्रियो के पोजीशन को दिखाया गया है और ये वास्तव में ये मोनोकॉट सीड का ग्राफिकल कह लीजिए या स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन है। इस सीड को अगर ध्यान से देखेंगे तो नीचे वाले एंड में जहाँ रेडिकल लिखा हुआ है वहाँ एक आउटर कवरिंग है जिसको हम लोग कोलियोराइजा कहते हैं, और ऊपर वाले एंड में जहाँ पर लिखा हुआ है सूट अपेक्स या प्ल्यूमेल कह लें तो उसके ऊपर भी एक कवरिंग है जिसको हम कहते हैं कोलियोपोटाइल। आपको बार बार कह रहा हूँ, कोलियोपोटाइल और कोलियोराइजा दोनों मोनोकॉटिलेडस सीड का स्पेशल फीचर है। ये दोनों सिर्फ और सिर्फ मोनोकॉट में दिखेगा, डाइकॉट में नहीं दिखेगा। ये बात आपको याद रखनी है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। और जो ये कोलियोपोटाइल है या कोलियोराइजा है, कह रहा हूँ कि बार बार कि ये आउटर कवरिंग है जो प्लीम्यूल और रेडिकल को रेस्पेक्टिवली कवर किए हुए रहता है। और उसके ऊपर देखिए ये अस्कुटेलम है। आपको बताया कि यहाँ कॉटिलेडन एक पेपरी स्ट्रक्चर के रूप में होता है जिसको हम अस्कुटेलम कहते हैं। तो मेरे समझ से ये आपको पोजीशन समझ में आया होगा, और इसे मैं एक और फिगर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कंपेरेटिव स्टडी कर बता रहा हूँ आपको कि मोनोकॉट में किस तरीके से एम्ब्रियो का पोजीशन रहता है और किस तरीके से डाइकॉटिलेडनस सीड में पोजीशन रहता है। देखिए इस फिगर को ध्यान से, फिगर दिखाने का मेरा उद्देश्य है कि आपको भ्रूण का पोजीशन एकदम समझ में आना चाहिए कि भ्रूण किस पोजीशन में होता है। देखिए एक तरफ मेज सीड है जो मोनोकॉट का उदाहरण है, और दूसरे तरफ बीन सीड है जो कि डाइकॉट का उदाहरण है। मोनोकॉट मतलब ओनली वन कॉटिलीडन इज प्रेजेंट, और डाइकॉट मतलब टू कॉटिलीडन इज प्रेजेंट। तो यहाँ ध्यान से देखें, ये मोनोकॉट है एक तरफ डाइकॉट है। तो देखिए पहले मैं डाइकॉट पे बात कर रहा हूँ। डाइकॉट आपको याद हो तो डाइकॉट में कहा था, देखिए ये भ्रूण लास्ट स्टेज जब भ्रूण मैच्योर होता है तो देखिए भ्रूण जो है वो इम्ब्रियो है वो टारपीडो स्टेज में चलाता है। ये जो हरा वाला स्ट्रक्चर है आप ध्यान से देखिए, तो वो टारपीडो स्टेज में चलाता है। और देखिए भ्रूण का पोजिशन कैसे, ये दोनों कॉटिलीडन से, और देखिए भ्रूण के ऊपर में ये जो लिखा हुआ है कि जो ये टारपीडो स्टेज में आपने कहा, मैंने बताया था कि ऊपर में ये देखिए प्लीम्यूल है और नीचे वाले पोजीशन में ये रेडिकल है, और यहाँ हाइपोकोटाइल इपिकोटाइल और ये कॉटिलीजन, सब बात मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, आपको ये भी बताया था कि सीट का जो आउटर कवरिंग होता है वो दो लेयर से टेस्टा और टेगमेन से ढका हुआ होता है जिसको हम दोनों को मिला करके सीड कोट कहते हैं, और वास्तव में ये सीड कोट सीड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो ये पोजीशन एकदम याद रखना है कि डाइकॉट सीड में कैसा होता है। अब इसके उलट मोनोकॉट सीड में देखते हैं, मेज का ये है। अभी मैं जस्ट आपको समझाया हूँ कि देखिए दो चैम्बर बन जाता है, ये ऊपर वाला जो है इंडोस्पर्म के रूप में ये चैम्बर बड़ा है, और देखिए ये नीचे वाला जो है वो जहाँ पे भ्रूण है, भ्रूण एक लंबा सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा जैसा मैं आपको बताया था, और इसी भ्रूण पे जो ये लंबा जैसा यह स्ट्रक्चर है इसी पे कोलियोपोटाइल और कोलियोराइजा रहता है जो प्लीम्यूल और रेडिकल को ढके हुए रहता है। ठीक है, तो ये फिगर दिखाने का मेरा उद्देश्य ये है कि आप समझ जाइए कि किस तरीके से भ्रूण का पोजीशन मोनोकॉट में होता है और किस तरीके से भ्रूण का पोजीशन डाइकॉट में होता है। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। इसी फिगर को एक दूसरे फिगर से समझते हैं। देखिए एक तरफ बीन सीड है और दूसरे तरफ मोनोकॉट है। इसी मोनोकॉट को जब जैसा मैंने आपने अभी फिगर बनाया था कि दो चैम्बर में ये इपिथीलियम वाला लेयर है जो बट जाता है, ऊपर वाले को इंडोस्पर्म कहते हैं मोनोकॉट में, और ये देखिए इम्ब्रियो का पोजीशन है जैसे अभी अभी मैंने आपको डिस्कस किया था। ये कॉटिलीडन है, कैसे हाइपोकोटाइल रहता है, इपिकोटाइल रहता है, ये सब आपको फिगर से याद होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो हमारे समझ से क्वेश्चन
मिस नहीं होना चाहिए। और जो दो टर्म जो विशेषकर याद रखना है, कोलियोपटाइल और कोलियोराइजा। कोलियोपटाइल क्या है? तो वो फ्लोम्यूल का कवरिंग है इन केस ऑफ मोनोकॉट। कोलियोराइजा क्या है? तो रेडिकल का कवरिंग है। तो ये दोनों बात याद रखना है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। We'll be right back.